गाड़ी रेस नहीं ले रही यार, गाड़ी रेस नहीं ले रही, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। एक बार फिर से खराब रोड से निकलते हैं, फिर खराब रोड आ जाती है। समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता है, पूरा नदी नालों में से होता हुआ जा रहा है यार। काफ़ी टफ है यार, लद्दाख इज़ नॉट ईजी। पेंगोंग का पता नहीं कौन सा रास्ता लिया है अपन ने, जो हार्ड पे हार्ड पड़े ही जा रहा है। तो टाइम हो गया 1:01, यहाँ ये शॉक व्यू वाला पॉइंट है, यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर। तो यहाँ पे कुछ मंचूरियन वगैरह खाई है और थोड़ा सा वो लिया है। अब आप निकलते हैं आगे आगे, यहाँ पे GS 320 या 310 जो भी है इस पे है ऋषि, और हमारे साथ के जो दो लोग थे जो जयपुर से थे, उन लोगों की क्लच प्लेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण वो लोग आगे चले गए। ओके भाई, रास्तों की खतरनाक की बात करूँ तो आज जो पेंगोंग के रास्ते हैं ये भाई साहब हद से ज़्यादा ख़तरनाक रास्ते हैं। बहुत सकरे रास्ते हैं, बहुत ही चढ़ाई है, बहुत ही जब ढलान आती है तो बहुत ही ज़्यादा ढलान आ जाती है, वाटर क्रॉसिंग्स आ जाते हैं, मतलब क्या नहीं है यार इन रास्तों पे, सब कुछ है। आपका ये एक्सट्रीम टेस्ट ले रहे हैं, सब कुछ एक्सट्रीम है यार यहाँ तो, एक्सट्रीम मेरे लिए तो एक्सट्रीम ही है, और किसी के लिए हो ना हो। यहाँ से डरबो का भी 10 किलोमीटर और है, होप सो रोड बढ़िया होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट रोड तो हो, चाहे सकरी हो छोटी हो कैसी भी हो। ओके आगे वहाँ पे फिर से पत्थरों वाली रोड काम चल रहा है वहाँ पे, लेह 120 दुर्भग 10, तो थोड़ी सी डेंजरस सिचुएशन फिर से आ चुकी है यहाँ पे। यहाँ एक तो चिपका के चलाने की पता नहीं क्या आदत है, अगर सब लोग चिपका के नहीं चलाएं ना तो आराम से निकल सकते हैं, बट सब के सब चिपका के चलाते हैं, इसके कारण ये सारी समस्याएं होती हैं। उसके कारण क्या दिखता नहीं किसी एक को और समस्या हो जाती है। गाड़ी रेस नहीं ले रही यार, गाड़ी रेस नहीं ले रही, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, रेस नहीं ले रही यार। हाँ पानी था, पानी काय में अंदर पानी गई मित्रा, उसको तो ब्रेक कटे लेना, उसमें पानी फेंको गर्म हो जाएगा इसमें, इतनी सी दूर में 20 वाले में साइलेंसर में डालूं? नहीं डिस में, डिस में। ये तो गर्म हो गया, देख रहे हो जो आप जो उद्देश्य उतर दो ना ब्रेक मत लगा कर, तो पूरा गर्म हो गया, जो गर्म हो जाता है ब्रेक पेडल नहीं पकड़ती है। वो टाइट भी लग रहा है मेरे को ब्रेक वाला है? ब्रेक वाला टाइट लग रहा था, ये रीजन है जो नीचे उतर दो ना, एक नंबर पे छोड़ दो बाइक को, एक नंबर पे ना, एक नंबर पे क्लच मत पकड़ो ना ब्रेक दबाओ। अभी ये वाली जो ढलान थी ना उस पे हो गया, इतना कम हो चुका, उतना कम हो चुका, तो ये प्रॉब्लम आएगी। आराम से थोड़ा सा साइलेंसर में डाल दिया, वो तोड़ गया होगा ना। ओके अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, रेस देने पे भी रेस नहीं ले रही है, ये जो ब्रेक पेड है शायद गर्म हो गए बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ये समस्या आ रही है। आप वो जो नीचे उतरे होंगे ना, हाँ उस पर हो गया शायद, और बैग के ऊपर पाँव मत रखना, और पीछे रखना, तो आपके ऐसे ऐसे रहता होगा पाँव है ना।
समस्या काफ़ी सीरियस आ गई थी। थैंक यू ऋषि भाई का, जिन्होंने बताया कि ब्रेक पेडल पीछे वाला है वो गर्म हो गया होगा इसलिए ऐसा हुआ। लिटरली यार चीज़ें सीखने को मिलती है। अब मैं तो फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाऊंगा, ब्रेक लगाऊंगा नहीं। ये फ़ायदा होता है आपका जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके साथ राइड करने का। आप लोग चलो, मैं धीरे धीरे आ जाऊँगा। अब मेरे को कोशिश करनी है कि ब्रेक नहीं लगाने, ब्रेक्स जाम ही हो गए थे भाई। गॉड, पहली बार ऐसा हुआ है। और चांदनी ने ऑफिशियली डराया पहली बार। रास्ते में अभी अपनी क्या बाइक ख़राब हो गई थी, अभी हम डरबुक में पानी पीने के लिए रुके थे, तो मेरे तो फट के हाथ में आ गई थी कि क्या पता टायर पंचर हो गया, क्या हो गया, गाड़ी रुक गई थी। तो यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहूँगा ऋषि भाई को। ये रात को अपन को हंडर में मिले थे, तो इन्होंने बचाया मतलब बाइक को। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता क्या हुआ, क्या जो हाँ जो पीछे का ब्रेक पैड था वो गर्म होने के कारण क्या बाइक चल ही नहीं रही थी, रेस नहीं ले रही थी बिल्कुल। तो फिर ये संकट मोचक बन गया है। तो ये है ऋषि जी, इनका यूट्यूब चैनल है HKB Pictures। तो ये काफ़ी पुरानी खिलाड़ी हैं यूट्यूब के, तो इनके वीडियो जरूर चेक करना। इनके साथ अख्तर जी है। तो चलिए फिर, अब यहाँ से थोड़ा सा इधर से जो हाईवे आ रहा है वो ले वाला है, और हम लोग इधर से कहाँ से हंडर से आए थे, तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं पैंगोंग। आगे फिर कोई वाटर क्रॉसिंग है शायद। बहुत ज़्यादा डीप हो रखी है। ओके, वहाँ पे जय भाई गिर गए। उसमें से कैमरे नहीं खा, अंदर नहीं गया आराम से। अरे ऊपर तो खुल गया यार, गिरते उठा लिया था। इनमें थोड़े छोटे छोटे में थोड़ी इतनी जल्दी नहीं जाता। उधर लेके चलो कहीं। ओके, जय भाई की बाइक गिर गई जिसके कारण क्या सारा सामान पानी में गिर गया। तो अभी अभी जो वाटर क्रॉसिंग थी उसमें जो देखो जय भैया का जो ड्रोन वाला बैग था, कैमरा और सारे इक्विपमेंट वाला बैग था वो गिर गया, जिसके कारण बहुत सारे पानी अंदर चला गया उसके। ये तो एक भाई साहब थे, उन्होंने तुरंत गिरते ही उस बैग को भी उठाया और बाइक को भी संभाला। बहुत मुश्किल है यार, लेह लद्दाख आसान नहीं है यार, बहुत मुश्किल है। ओके, डेंजरस वाटर क्रॉसिंग आ रही है यार। तो भाई अभी यहाँ पे देखो, छोटा सा दिख रहा होगा ये फर्स्ट व्यू ऑफ द पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक का यहाँ पे फर्स्ट व्यू दिख रहा है, तो इतने थका देने वाले और इतने भयंकर रास्ते के बाद ये चीज देख के थोड़ा सा सुकून मिल रहा है दिल को। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू मॉडल विलेज, और सामने जो दिख रही है वो है पैंगोंग लेक। ओ भाई साहब, बड़े ही सही है, देखो कितनी नीली, अलग ही रंग है यार इसका। ऐसा लग रहा है किसी ने आसमानी नीला रंग नीचे फेंक दिया हो। वाह, कितनी प्यारी लगती है। ऐसा व्यू कितना अल्टीमेट आ रहा है भाई साहब।
एक ही नंबर। चलो चलो ट्रैफिक आ गया। तो अभी टाइम हो गया है 3:30 और हम लोग जो हंडर है वहाँ से चल के मतलब 160 किलोमीटर के अराउंड पड़ी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरी जो है ये पेंगोंग लेक है, और वहाँ पीछे वो जो चीज़ें दिख रही है ना वहाँ पे वो 3 इडियट्स वाले जो सीन था जिसमें वो तीनों कुर्सी पे बैठ के मतलब फोटो है जिस पे तीनों चेयर पे बैठते हैं वो, और साथ में जो प्रिया का स्कूटर है वो, आटा चक्की फला वो सब चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है। तो अभी एक बार यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो यार अभी टाइम बहुत है, ले भी वापस जा सकते हैं, लेकिन आज का स्टे यहाँ पेंगोंग में ही करेंगे। चलो अभी सब लोग आ गए हैं, सब लाइनअप हो गए हैं, तो एक बार इसकी ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे। अभी सीन ये है कि हम लोग पेंगोंग में नहीं रुक रहे हैं, पेंगोंग के आगे कोई मिराक करके जगह है वहाँ रुक रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी कम भीड़ रहती है और वहाँ पे होम स्टे मिलता है जिसमें कि मतलब आप किसी के घर में रुकते हैं। बट अभी अभी एक और मिस हैपनिंग हो गई, शुभम की बाइक हाईवे पे मतलब रोड पे चढ़ा रहा था तो एक कार वाला सडनली सामने मतलब उसको कहने के बावजूद भी उसने कार वाले ने रोका नहीं, और उसे बचने के चक्कर में शुभम एक ढलान वाले क्षेत्र में वहाँ मतलब ढलान वाले एरिया में बाइक लेके गिर गया। पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है, टाइम निकाल के क्यों नहीं आते हैं। उनको पता है ऐसे दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर ना तो आपको कोई मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी ना और कुछ, फिर भी इतने रिस्क लेकर चलाते हैं। एक आप 10 सेकंड ब्रेक लगा लोगे क्या हो जाएगा आपका। लेफ्ट में एकदम मस्त वाला व्यू चल रहा है पेंगोंग लेक का। मूड ख़राब हो गया है थोड़ा सा यहाँ के लोगों की हरकत देख के,